If you play smart without stupid emotions, you are unstoppable. Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Well friends, आज के episode में हम बात करने वाले हैं तेलुगु सिनेमा के मास महाराजा I am blind but I am trained रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी के टीजर के बारे में. Well friends, ये खिलाड़ी का जो टीजर है आज सुबह मुहूर्त के अनुसार 10:08 पर लॉन्च हुआ. I mean, let me tell you one thing, Ravi Teja is going to be unstoppable. आस्ते आस्ते वो ऐसी ऐसी फिल्में करते जा रहे हैं. आई मीन क्रैक का रिव्यू मेरे से जस्ट मिस हो गया. मैंने बहुत लेट देखी फिल्म, से रिव्यू करके मतलब नहीं था, लेकिन ही वॉज सुपर्ब इन द फिल्म. ए किटिया, ही एंड श्रुति हसन, स्पेशली द एक्शन सीन्स वॉज सुपर्बली कोरियोग्राफ्ड. एंड अब खिलाड़ी का जो टीजर आया है ये 1:20 का धमाका है. लेकिन आज का एपिसोड शुरू करते हैं, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं. फिर इस फिल्म की शूटिंग इटली में हुई है, ट्यूरिन में हुई है, वाइजैग में हुई है. एंड इसमें एक बहुत ही बड़ा भव्य जेल का सीक्वेंस है जिनको KGF के एक्शन डायरेक्टर्स, यस फ्रेंड्स, KGF के जुड़वा भाई एक्शन डायरेक्टर्स अनबू अरिवू ने कोरियोग्राफ किया है अलॉन्ग विद द मोस्ट वॉन्टेड एक्शन डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा राम एंड लक्ष्मण. राम एंड लक्ष्मण एंड अनबू अरिवू कमिंग टूगेदर इन अ फैंटास्टिक मूवी कॉल्ड एज खिलाड़ी. खिलाड़ी को डायरेक्ट किया है यहाँ पर एक ऐसे डायरेक्टर ने जिन्होंने राक्षसुडु फिल्म बनाई थी जो कि ऑफिशियली तमिल फिल्म रत्सासन का रीमेक था. रमेश वर्मा नाम है इनका. एंड गाइस, इस फिल्म का स्टारकास्ट बहुत ही मस्त है. इस फिल्म में एक्शन किंग यानी कि अर्जुन सरजा, इनकी और रवि तेजा के बीच में जो जुगलबंदी होने वाली है सीन्स की वो फैंटास्टिक होगी. वेल फ्रेंड्स, बात करें और कैरेक्टर्स की, सिजलिंग अनुसुया भारद्वाज इज देयर इन दिस फिल्म, शी इज लुकिंग गॉर्जियस. वी हैव नन अदर तंगवली, चेन्नई एक्सप्रेस के विलन निकेतन धीर इस फिल्म में. कॉमेडी के लिए इस फिल्म में नन अदर वेनेला किशोर है. बात करें गाइस यहां पर ग्लैमर की, तो इस फिल्म में दो महिलाएं हैं, एक तो डिंपल हयाती हु इज अ गॉर्जियस वुमन, बिर्रा विलेज टेरे दी लवारो, इटली में इन्होंने शूटिंग की है रवि तेजा के साथ. एंड गाइस यहाँ पे दूसरी हीरोइन है यहाँ पर द हॉट एंड द सिजलिंग मीनाक्षी चौधरी. ये फिल्म के पोस्टर्स पे लिखा है कि ये फिल्म 28 मई को आने वाली है, लेकिन अब जो टीजर आया है उसमें कोई भी रिलीज डेट नहीं है. गौर करने की बात यह है कि इस फिल्म के मेन प्रोड्यूसर्स है पेन स्टूडियोज, जयंतीलाल गाड़ा, जिनकी अभी रिसेंटली हाल ही में गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का जो टीजर है वो रिवील हुआ था. तो अब गाइस ये फिल्म का हिंदी में आने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं, डेफिनेटली फिल्म हिंदी में आने वाली है क्योंकि यहाँ पे पेन स्टूडियोज आए हैं एज प्रोड्यूसर्स, तो हिंदी में डेफिनेटली फिल्म आने वाली है. चलिए गाइस आज का एपिसोड शुरू करते हैं विद द रिव्यू ऑफ दिस DSP म्यूजिकल. देवेश प्रसाद ने इसका म्यूजिक दिया है. पोस्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस फिल्म के. यहाँ पर हम रवि तेजा को डबल रोल में देखने मिल सकता है. दो यहाँ पे पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, दो वेरियस शेड्स हमें दिखाई देंगे इस फिल्म में. वेल, इस चीज़ की शुरुआत होती है धमाकेदार BGM से. दो शॉट्स चलते हैं साइमल्टेनियसली. पहला शॉट एक डॉक का, यहाँ पे बोट, यू नो, वहाँ पे बड़ी बड़ी बोट्स पार्क की गई है. दूसरा एक जेल का सीक्वेंस है, फिर एक वाइफ के साथ सीक्वेंस है और एक गर्लफ्रेंड के साथ सीक्वेंस है. यानी कि साइमल्टेनियसली दो सीन्स चल रहे हैं. अभी क्या जुड़वा रोल है या स्प्लिट पर्सनालिटी है ये पता नहीं. DSP का म्यूजिक है. सीरियल किलर का रोल शायद यहाँ पर रवि तेजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. हाथ में उनके बहुत ही बड़ा हथौड़ा है. जंगल का चेस सीक्वेंस, बाइक का चेस सीक्वेंस है एंड जेल में जबरदस्त फाइट करते हुए. जेल से वो जब छूटते हैं सूट पहन के एकदम राजा जैसा बाहर आते हैं. एंड गाइस यहाँ पर अब एक मिस्ट्री हमारे सामने आती है. वेल फ्रेंड्स, ये फिल्म में बहुत ही बड़े स्टारकास्ट है. इस फिल्म में मुरली शर्मा है, इस फिल्म में मुकेश ऋषि है जो कि हर तेलुगु फिल्म का हिस्सा रहते हैं. अर्जुन सरजा एंड रवि तेजा के बीच में डायलॉगबाजी खूब ज्यादा होने वाली है. एंड का जो सीक्वेंस है वहां पर रवि तेजा एक जो हथौड़ी रहती है उसको लेके अपने बीवी के सर पर दे मारते हैं. क्या मिस्ट्री है, क्या सस्पेंस है. उसके बाद डायलॉग आता है, इफ यू प्ले स्मार्ट विदाउट स्टूपिड इमोशंस यू आर अनस्टॉपेबल. रवि तेजा की फिल्मों में ऐसे वन लाइन एंड कैच फ्रेजेस बहुत ज्यादा रहते हैं. एंड एंड में आता है एक संदेश जहां पर लिखा रहता है हैप्पी उगादी. अब 28 मई को शायद ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, इसीलिए गाइज इसके जो पोस्टर्स है यानी कि अब जो ट्रेलर टीजर आया है उसमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया. बस बात करें इस फिल्म की शूटिंग की, फिल्म की शुरुआत 18 अक्टूबर
2020 को हुई थी ग्रैंड मुहूर्त, उसके बाद ये टीम वाइजैक गई, उसके बाद ये टीम इटली गई एंड इस फिल्म की जो शूटिंग है वो पूर्ण तरीके से रैप अप हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत पैचवर्क बचा है। लेट्स सी इसकी रिलीज डेट कब आती है। फिलहाल महामारी है तो यहाँ रिलीज होते हुए फिल्म दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वॉच आउट फॉर दिस फिल्म, बहुत जबरदस्त एक्शन होने वाला है इस फिल्म का एंड आने वाले कुछ महीनों में हमें ये फिल्म जरूर देखने मिलेगी आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। ओके गाइस, सो ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके देखिए, बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर है। इसका ट्रेलर आया है यूट्यूब चैनल पे, इसका नाम है आदित्य म्यूजिक खिलाड़ी मूवी टीजर। इनमें भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल टीजर, इसमें ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं है। लास्ट का डायलॉग भी जो है वो यहाँ पर इंग्लिश में आया है। ओके गाइस, तो एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का दिन काफी धमाकेदार होने वाला है, तेलुगु सिनेमा से बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जूनियर एनटीआर को लेकर अनाउंसमेंट आ सकती है एंड मेजर फिल्म का। यस फ्रेंड्स, शाम को मेगा स्टार सलमान खान एक टीजर लॉन्च करने वाले हैं हिंदी में, तो वॉच आउट फॉर दैट। उसमें है दबंगल साई मांजरेकर। स्टे कूल मैन।